पानी की बोतल दे के वाइफ को, अब हम अंदर आ गए हैं, जोहर की अजान भी हो गई है माशाल्लाह से, अब जोहर की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर हम लोग होटल जाएंगे थोड़ी देर बैठ के। आपको नज़दीक से मस्जिद नबवी फिर से दिखा देते हैं। ये है मस्जिद नबवी माशाल्लाह से गुम्बद खजरा, और यहाँ पे आप बाहर का व्यू देखिए। इस समय अभी यहाँ पे करीबन 12 बज रहा है। लोग यहाँ से आ रहे हैं अंदर एंट्री करने का है। बहुत से गेट हैं, आप देखिए लास्ट में वहाँ पे भी एक गेट है। चारों तरफ गेट हैं, चारों तरफ से आप कहीं से भी आ सकते हैं। अभी हम जाएंगे अंदर, अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, अंदर का भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए पानी पीने का भी यहाँ पे है, पानी की कोई कमी नहीं है, जितना जिसको पानी पीना है पिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक भी बहुत नज़दीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये इंट्रेंस गेट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ जाने का। और अभी हम जा रहे हैं नमाज के लिए अंदर। कोविड से पहले हम कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते थे, बट अभी इन्होंने जगहें बना दी हैं, बस वहीं पर नमाज़ पढ़ना है। माशाल्लाह से गेट कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए अंदर से यहाँ पे डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी दी गई है, और माशाल्लाह से मस्जिद में भीड़ कितनी है, सभी लोग नमाज़ के लिए अंदर आ गए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, और आप देखिए माशाल्लाह से कितने लोग हैं नमाज़ के लिए यहाँ पे। मैं भी जो है नमाज़ के लिए जगह देख रहा हूँ, जहाँ पर खाली जगह मिल जाएगी मैं भी वहाँ पर बैठ जाऊँगा। नमाज़ बस खड़ी होने वाली है, मुझे जगह जल्दी ढूँढनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अभी हो गई है, नमाज़ पढ़ के अभी बाहर आए हैं। और यहाँ भी माशाल्लाह से आप भीड़ देखिए, इस भीड़ को देख के कोई कहेगा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना, मेरा जो वहाँ का परमिट है उसकी टाइमिंग है 1:30 to 2 o'clock, और यहाँ पे लाइन देखिए कितनी लंबी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, जितना शुक्र अदा करें कि रियाजुल जन्ना में फिर से दोबारा जाने का मौका मिल रहा है। और ये रास्ता जो ज़ियारा के लिए आ रहे हैं उनके लिए बनाया गया है स्पेशली, दोनों तरफ से बैरियर लगा दिए गए हैं। यहाँ से पॉलीथीन ले लेंगे जिसमें हम चप्पल रख सकते हैं अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो यहाँ पे वही लोग बैठे हैं जिनका अभी ज़ियारा के लिए नंबर आने वाला है, और जब इनका नंबर आ जाएगा तो उनको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी तरफ, और बाकी इसके बाद जिसका नंबर होगा उनको यहाँ पे बैठा देंगे। माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए जमजम भी बांट रहे हैं। अभी हम लोग अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग जो इबादत कर रहे हैं, इन लोग अपनी टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो इनको अभी बाहर कर दिया जाएगा, और उनकी जगह पे फिर हम लोग को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो टाइमिंग के हिसाब से अभी यहाँ पे सारा जो है सिस्टम चल रहा है। और ये जमजम की बोतल जो है अंदर आने के टाइम पर मिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग यहाँ पे रियाजुल जन्ना के पास आ गए हैं,
और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग इबादत कर रहे हैं। हम भी अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा आपको पहले थोड़ा वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सकें। ये जो ग्रीन कारपेट है, ये एरिया पूरा जो है रियाजुल जन्ना कहलाता है। और यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन जो है खुतबा दिया करते थे। और रियाजुल जन्ना का मतलब है ये पूरा हिस्सा जो है जन्नत का हिस्सा है, जन्नत में जाके मिल जाएगा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। बस जो है यहाँ पे ज़ियारत करके, दुरूद पढ़ के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश कर बस आगे निकलने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें जो है उस मुकद्दस जगह पर जाने की तौफीक अता फरमाई। और माशाल्लाह से रियाजुल जन्ना से मैं आ गया हूँ, जस्ट अभी बाहर निकला हूँ। और माशाल्लाह से इतना पीसफुल एरिया है वो कि मैं कह सकता हूँ कि ज़रूर ये दुनिया की जो है सबसे पीसफुल जगह में से एक है। और यहाँ पर हम आएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। और रियाजुल जन्ना बेशक वो जन्नत का हिस्सा है। अल्लाह सबको उस जगह पर ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा बच्चा सो गया है, कहाँ पे सो रहा है देखना है। माशाल्लाह वो वीडियो बना रहे हैं। तो बस लगेज हमारा पैक हो गया है, हम लोग होटल में वापस आ गए हैं। और हम लोग को असर के बाद जो है यहाँ से चेकआउट करना है। हम लोग का लगेज जो है रेडी हो गया है, बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज़ पढ़ के आके फिर यहाँ से निकलता हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पे मदीने का ट्रिप रहा ये 3 दिन का हम लोग का। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि हम लोग को बार बार यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कर रहे हैं चेक आउट। अभी बज रहा है 4:30। इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं जद्दा। चेक आउट कर दिया हमने, आज चेकआउट हो गया है, बस अपने फ्रेंड से मुलाकात करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। अरे कोई बात नहीं बेटा। चेकआउट करके बाहर आ गए हैं, पार्किंग से हमने कार भी निकाल ली है और बस हमने एक कैपेचिनो ले लिए कि थोड़ा आगे चलने में आसानी रहेगी, क्योंकि दिन भर की थकावट है। हम लोग सुबह जो है नाश्ता करके चले गए थे वहाँ मस्जिद में, उसके बाद हम लोग जहर पढ़ के 2 बजे आए, तो बहुत थक भी गए थे और इतनी लंबी जर्नी है, चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और रफ़त को भी आप लोग को दिखा देते हैं चलते चलते। रफ़त रफ़त भी रेडी हैं बस। चलो बाय बाय बोल दो। तो चलिए सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।